पांच राज्यों के चुनाव की घोषणा आज दोपहर 12 बजे आकाशवाणी भवन में होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होना है विधानसभा चुनाव। आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर फिर दागे रॉकेट। 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत, मरने वालों में कई अमेरिकी, नेपाली और थाईलैंड के नागरिक शामिल। युद्ध के तीसरे दिन भी इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। इसराइल ने एक साथ 150 से ज्यादा हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने 400 हमास आतंकियों को मारने का किया दावा। फिलिस्तीन और इसराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। इसराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात होंगे अमेरिका के जंगी जहाज। जल्द ही सैन्य मदद और राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हफ्ते पहले हुई थी इसराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग। ईरान ने की थी हमास की मदद। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल ने किया जवाबी हमला। लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर दागे थे मोर्टार। इसराइल में जंग के हालात के बीच सुरक्षित निकाले गए 26 भारतीय नागरिक। मेघालय के सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने खेली नाबाद 97 रनों की विनिंग पारी। चुने गए मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ने भी शानदार 85 रन बनाए। और न्यूज 18 इंडिया व्हाट्सएप पर भी बना नंबर 1 चैनल। भारत में 1 करोड़ फॉलोअर का आंकड़ा छूने वाला पहला चैनल बना न्यूज 18 इंडिया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוך, נהפוך אותם לאיי חורבות.